वेब 3.0 इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। अभी हम इंटरनेट के सेकंड जनरेशन यानी वेब 2.0 यूज कर रहे हैं और इसके बाद आने वाला है थर्ड जनरेशन यानी वेब 3.0। शुरू से देखा जाए तो इंटरनेट की फर्स्ट जनरेशन में यूजर्स को रीड ओनली एक्सपीरियंस मिलता था। इंटरनेट के कंटेंट और यूजर्स में नो कम्युनिकेशन, नो इंटरेक्शन। नेक्स्ट आया वेब 2.0। गूगल, मेटा, इंस्टाग्राम आर दी बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस। इंटरनेट की कंटेंट और यूजर्स के बीच इंटरेक्शन पॉसिबल हुआ और यूजर्स को इंटरनेट पे डाटा अपलोड और डाउनलोड करने की कैपेबिलिटी दी गई। पर प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट पे अपलोड किए गए यूजर्स के डाटा के ऊपर कुछ कंपनीज और वेबसाइट का कंट्रोल रहता था। यहाँ पर डाटा हाईली सेंट्रलाइज है, यानी किसी एक सर्वर पे सभी यूजर्स के डाटा को स्टोर किया जाता है। पर वेब 3.0 में डाटा हाईली डिसेंट्रलाइज, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी, जहाँ पे डाटा पे ओनरशिप खुद यूजर्स के पास रहेगी। डाटा किसी एक सर्वर पे स्टोर नहीं किया जाएगा और यहाँ पर यूज होंगे क्रिप्टोकरेंसीज एंड NFTs। आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून।